विराट कोहली वाला वाकया हुआ है, आई थिंक इट इज गिवन सम रेड फेसेस देयर, जो पर्थ के होटल में जहाँ पे वो रुके हुए थे, बिकॉज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होना शुरू हुई जिसमें दिखाया गया कि एक बंदा जो है वो विराट कोहली के रूम के अंदर गया है. देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट मस्ट बी द हाउसकीपिंग स्टाफ, कौन होगा जो भी होगा, वो गया है, उसने पूरी वीडियो बनाई है, द स्टफ दैट वाज लाइंग देयर एंड ऑल. विराट कोहली हैज कॉल्ड इट अपॉलिंग. आई मीन काफी उन्होंने जो है ना इसको अफसोसनाक, बल्कि वो जो गुस्सा और अफसोस की जो एक दरमियानी फीलिंग होती है उन्होंने जो है वो उसका इजहार किया है. और वो जो वीडियो कैप्शन जो आई है उसमें, ये टिकटॉक पे लगाई गई है, ऐसे चीजें टिकटॉक पे मिलती हैं आपको, उसमें लिखा हुआ था कि जी किंग कोहलीज होटल रूम, उस टाइटल के साथ जो है ये टिकटॉक पे वीडियो आई थी. और कोहली ने कहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट फैंस गेट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड सीइंग देयर फेवरेट प्लेयर्स and get excited to meet them. I've always appreciated them, but this video here is appalling and it made me feel very paranoid about my privacy. If I cannot have privacy in my whole hotel room, then where can I really expect a personal space at all? I'm not okay with this kind of fanaticism and absolute invasion of privacy. Please respect people's privacy and do not treat them as a commodity for entertainment. As always, Virat Kohli choosing his words perfectly. Or वैसे वाकई seriously, I mean if your privacy आपके होटल आपके रूम में नहीं है तो फिर किधर. और अदील आप अभी सोचें कि अभी तो वो थे नहीं रूम में, let's say विराट कोहली sleeping in his room और कोई आके खामोशी से रात को वीडियो बना के चला है, मतलब अगर वो दिन के किसी टाइम पे कोई बंदा आके आपके कमरे में घुस के वीडियो बना सकता है. सो अच्छा, इंडिया टीम इंडिया के साथ मुसलसल कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, पहले बीच में खाने का भी इशू हुआ, फिर जो है अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं. बट एक चीज बहुत मजे की, पता नहीं मैंने यहाँ मेंशन की थी कि नहीं की थी, कि टीम इंडिया ये साउथ अफ्रीका के मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस से पैदल गई थी अपने होटल. दे वॉक टूवर्ड्स देयर होटल, रास्ते में अपने फैंस से मिलते हुए जाएं. तो इस तरह की इंटरेक्शन वो खुद कर रहे हैं.